अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाएंगे सलामी के साथ पिज़्ज़ा। तो बच्चे हर वक्त पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा करते रहते हैं कि पिज़्ज़ा बनाया जाए, पिज़्ज़ा बनाया जाए या बाहर से मंगाया जाए। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाला एक पिज़्ज़ा है, तो इसको हम बनाते हैं। आइए हमारे साथ। देखें, डो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि डो मैं आपको बहुत सी दफ़ा सिखा चुकी हूँ पहले भी, और आप मेरे चैनल पे जाके पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये तकरीबन मैंने एक डेढ़ घंटा पहले इसको मैंने इसको राइस के लिए रखा था। तो अभी सर्दियों के दिन है, राइस होने के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो वैसे भी नाइट का वक्त है, इस वक्त रात का टाइम है। तो ये है कि मैंने इसको ओवन को प्री हीट करके 10 मिनट और फिर इसको रख दिया था। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म की हमारी डो जो है राइस हो चुकी है। ये देखें और कितना जालीदार बना है। ये देखें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लें, ये देखें सही। तो हमारी जो डो है अच्छी सी राइस हो गई है। डो अगर अच्छी राइस होगी तो पिज़्ज़ा आपका बहुत अच्छी तरीके से फूलेगा, बेक होगा, ठीक है ना। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको ज़रा सा हम उल्टी वगैरह लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि ये ज़रा अच्छा सा हमारा इसकी जितनी भी एयर है इसके अंदर ये तमाम निकल जाए। सही, तो इसको हम इस तरह से अच्छी तरीके से इसमें जितनी भी इसकी बबल है, हवा जितनी भी है सारी निकल जाए। तो इसको तकरीबन 2 मिनट के करीब हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है जी, इसकी तमाम हमने निकाल ली हवा जो भी है, और इसको इस तरह से हम हाथों की मदद से फैला लेंगे। थोड़ा सा हम इसे अपने बेलन की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे। ठीक है जी, इसकी बड़ी रोटी हम बना लेंगे। सही, देखें ये रोटी हमने एक अच्छी खासी बड़ी रोटी हमने बना ली इसकी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो पिज़्ज़ा की जो ट्रे है वो बड़ी है, इसलिए मैंने इसकी बड़ी रोटी बना ली है। ये देखें पिज़्ज़ा की जो ये ट्रे है ये मेरी बड़ी है, तो इसलिए मैंने बड़ी ये रोटी इसकी बना ली है। अच्छा जी, अब इसको मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। तो इस तरीके से हम इसको कवर करके, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे। सही है, इस तरह से हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, डो हमारी सेट हो गई है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ऐसे पंच कर लेंगे, ताकि इसको ये रोटी जो है हमारी बीच में से फूले नहीं। ठीक है जी, ये देखा आपने। अच्छा जी, पिज़्ज़ा सॉस के लिए हमने बाज़ार से पिज़्ज़ा तैयार ली है सॉस। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनानी भी सिखाई थी, तो इस वक्त हम ये रेडीमेड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन आधा कप के करीब हमने पिज़्ज़ा सॉस ली है, ये इस पर लगा रहे हैं हम। ये हमने जो सलामी बोलते हैं या सॉसेज वगैरह जो होते हैं या हॉट डॉग बोलते हैं, तो ये इस तरह से हमने ली है और ये हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसकी टॉपिंग और किसी चीज़ से नहीं करेंगे हम, यही करेंगे। ठीक है, ये हमने लगा ली इस पर, और अब हम इस पर डालेंगे चीज़। ये हमने मोज़रेला चीज़ लिए और ये हमने चेटर चीज़ लिए। ठीक है, तो ये दोनों हम चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने चीज़ इस पर डाल दी। ठीक
कीजिए, ये देखें ये देखें। अच्छा जी, ये थाइम है, ये हम इस पर डाल रहे हैं। ठीक है, हाफ टी स्पून के करीब मैंने लिया है, सही। ठीक है, देखें कितनी जल्दी हमारा, हमने इसकी टॉपिंग कर ली है फटाफट। तो अब इसको हम प्री हीट हमने कर लिया था तकरीबन ओवन हमने 10 मिनट पहले, तो हम इसको 180 डिग्री के ऊपर तकरीबन 30 मिनट के लिए रखेंगे। ठीक है, नीचे वाली ग्रिल चलाएंगे पहले 20 मिनट के लिए, फिर ऊपर की ग्रिल चलाएंगे हम 10 मिनट के लिए, तो टोटल हम रखेंगे 30 मिनट के लिए। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। देखें जी, ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया, कितने मज़े का, और पूरे 30 मिनट में बना है। और आप खुद देख लें हमारी चीज़ कितनी ज़बरदस्त मेल्ट हुई है और कितना प्यारा कलर आया है। ठीक है, तो इसको भी सर्व करते हैं, आपके सामने कटिंग करके भी दिखाते हैं। ये देखें, और हमारी रोटी भी देख लें आप कितनी अच्छी बनी है। ठीक है, तो आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, और इसको आप बनाएं बच्चों के लिए, घर में बड़ों के लिए, किसी पार्टी ओकेजन पे, तो ये बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाला है, ना ज़्यादा झंझट है क्योंकि और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये आपका पिज़्ज़ा बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, तो हमें इसी तरह दुआओं में याद रखें, और हमारी रेसिपी को फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।